फ्रेंड्स, मैं हूँ बबली, आपका स्वागत करती हूँ बबली किचन में। फ्रेंड्स, मार्केट में अभी कच्चा आम मिलना शुरू हो गया है, तो इसीलिए आज मैं लेके आई हूँ कच्चे आम के जैम की रेसिपी, जो सिर्फ हम दो चीज़ों से बनाएंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट लाजवाब है और बनाना भी इजी है। तो बिना प्रिजर्वेटिव के आज मैं इस जैम को बनाने वाली हूँ और आप इसे बना के आराम से 2-3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में रोटी के साथ, ब्रेड के साथ दे सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आइए बिना देर किए हम झटपट जैम बनाना शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और इसके साथ ही आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑल वाला, वो टच करें जिससे कि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें। कच्चे आम का जैम बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कच्चा आम। तो ये 1 किलो मैंने आम लिया है और एकदम कच्चा है, अभी सीजन आ चुका है तो मार्केट में अच्छा आम मिलना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले इसको धो के हम छील के तैयार कर लेंगे और सारे आम को छीलने के बाद इसको रफली काटना है, तो अंदर बीज या गुठली जो भी है आप निकाल ले उसको। तो अभी तो ज़्यादा गुठली नहीं पड़ा है, हल्का बीज है और सारे आम को मैंने काट लिया है 1 किलो को। तो छिलका गुठली अलग करने के बाद ये 800 ग्राम के लगभग बच गया है। अब कटे हुए आम को हमें बॉयल करना है, तो एक बड़े से बर्तन में डाल के और पानी डाल के बॉयल कर लेंगे। तो पानी हमें इतना ही डालना है जिससे कि आम अच्छे से डूब जाए, तो मैं 3 कप के बराबर इसमें डाल रही हूँ। अब देख सकते हैं आम अच्छे से डूब गया है और मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के इसे हम पकने देंगे और साइड से स्टीम निकलने की थोड़ा जगह छोड़ेंगे। 10 मिनट पकाने के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो आम अच्छे से बॉयल हो चुका है, ये पक गया है, लेकिन हमें और पकाना है जिससे कि आम थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए, तो इसका पल्प हमें आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान देना है कि पानी ना जल जाए, तो फ्लेम को लो करके 5 मिनट के लिए और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट और पकाने के बाद आप देख सकते हैं आम अच्छी तरह से पक गया है और सॉफ्ट हो गया है, तो हमें ऐसा ही चाहिए क्योंकि इसका पल्प बहुत आसानी से निकल आता है। तो फ्लेम को ऑफ करके हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और पल्प जैसे ठंडा हो जाएगा हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे जिसमें कि हमें जैम बनाना है और उसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और पल्प को डाल के छान लेंगे जिससे कि बहुत ही स्मूथ पेस्ट हमें मिल जाए और ऊपर का ये जो छिलका रेसे जितने हैं सब निकल जाए। तो ऊपर से दबाते हुए चम्मच से निकालने के बाद आप देख सकते हैं अच्छा पल्प जो है वो नीचे आ चुका है। तो बस हमें ऐसा ही चाहिए अच्छा जैम बनाने के लिए, एकदम ट्रांसपेरेंट सा बनेगा और ऊपर का जो ये बचा हुआ है इसको भी फेंकना नहीं है, इसे आप मिक्सी में पीस के पन्ना बना के यूज कर सकते हैं। अब फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और पल्प को हमें पकाना है, तो अब हम साथ ही साथ इसमें चीनी भी ऐड कर लेंगे कि दोनों एक साथ अच्छे तरह से पकेगा। तो चीनी मैं इसमें कप से डाल रही हूँ, 2.5 कप में इसमें डालूंगी और वेट में जितना आम का पल्प है उतना ही हमें डालना है। तो मैंने 1 कप आम लिया था लेकिन छिलका गुठली में निकल गया और थोड़ा सा छानने में भी पल्प के रूप में निकल गया, तो ये 700 ग्राम के लगभग रह गया है। तो चीनी हम उतना ही डालेंगे और आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ, ये पल्प को आप किसी कप से या बॉल से मेजरमेंट कर लें और जितना कप होता है उतना कप ही चीनी डालें, तो ये सबसे आसान तरीका है मेजरमेंट करने का। तो इस तरीके से आप डाल लें इसमें और इसको हम मिलाएंगे और आप देखेंगे जैसे जैसे चीनी मेल्ट होने लगा है ये और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, लो टू मीडियम पे ही पूरा हम पकाएंगे अच्छी तरह से मिलाते हुए। और जैसे जैसे पकेगा ही ट्रांसपेरेंट होगा। और फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं थोड़ा झाग आ रहा है, तो ऐसे झाग को हम आने देंगे, बॉयल होने के साथ साथ आएगा और चीनी का जितना भी इम्प्योरिटी है वो निकल जाएगा। तो जो भी झाग साइड में आ जाता है उसको हम निकाल लेंगे, इससे हमारा जैम और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और साफ बनेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और इसको हम अच्छे से मिलाते रहेंगे और नीचे से भी खुरसते रहेंगे, साइड्स भी खुरसते रहेंगे। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, लेकिन इससे जैम का कलर बहुत अच्छा आएगा, एकदम मार्केट जैसा लगेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं या फिर जो हल्दी आता है 2 चुटकी इसमें हल्दी डाल दें। फ्रेंड्स, लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है, तो बस
कम आंच पे ही इसको पकाना है और अभी आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ठंडा होने के बाद और भी ये गाढ़ा होगा। तो जब इस तरीके से गिरे तो सोचिए कि जैम तैयार हो गया है। और हाथ से चेक करके मैं बताती हूँ, ऐसे जब हम तार बनाएंगे तो पूरा एक तार नहीं बनेगा, आधा बन के टूट जाएगा, कमज़ोर सा तार जो बनेगा। तो बस हमें इतना ही रखना है, क्योंकि अगर पूरा तार आप बनाएंगे तो थोड़ा सा स्टिकी बन जाएगा ये। तो बस हमारा जैम तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ करके हम इसको ठंडा होने देते हैं और फिर हम इसको किसी बर्तन में या जार में भरेंगे। तो फ्रेंड्स, जैम को मैंने एक कांच के जार में भर लिया है और ये अभी ठंडा भी हो गया है। एक घंटे के बाद ये ठंडा होके जमने लगा है। और ये आप इसी तरीके से इसको ढक्कन बंद करके फ्रीज में 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं डाला है। तो इसको बाहर नहीं रखिएगा, फ्रीज में ही रखिएगा। और टेस्ट में एकदम ये लाजवाब है, एकदम मार्केट वाला टेस्ट आया है इसमें भी। तो आप ये कच्चे आम के सीजन में घर में बना बना के खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। बच्चों को रोटी के साथ, ब्रेड के साथ आप दे सकते हैं, टिफिन में भी दे सकते हैं। और ये एकदम शुद्ध है, नेचुरल है, घर का बना हुआ। तो फ्रेंड्स, आप इस जैम को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स देके बताएं। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।